हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त और दोस्त समीर। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे अबाउट गेस्ट हाउस बिजनेस। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं और मैं चाहता हूँ आप भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको न्यू बिज़नेस आइडियाज़ मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेस्ट हाउस बिज़नेस। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें कैपिटल इंटेंसिव है। इसका मतलब ये आपको काफ़ी कैपिटल पैसा लगाना होगा और एक बार आपने पैसा लगा लिए तो उसके बाद में आपकी इनकम शुरू होती है। लेकिन उसके लिए कोई कुछ रूल्स है, वो रूल्स ऐसे कि हर बिज़नेस के अंदर जो है डिपेंडिंग होता है। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि आपको हर टाइम सर्विस देना है और कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं होता। आप जितना सर्विस दोगे उतना पैसे कमा सकते हो। लेकिन जो गेस्ट हाउस बिज़नेस है ना दोस्तों, इसके अंदर आपको पैसा लगाना है गेस्ट हाउस का जगह लेने, भाड़े पे या ख़रीदने, साथ में उसको मेंटेन करने, जैसे आपने उसको मेंटेन किया प्रॉपरली। तो दोस्तों, इसके अंदर गेस्ट हाउस के बिज़नेस में फ़ायदा तब हो सकता है आपको जब आप जो है उसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे टूरिस्ट आते जाते हो। क्योंकि अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे जाएंगे तो आपका गेस्ट हाउस नहीं चलेगा। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गेस्ट हाउस चले। साथ में बात ऐसी है ना दोस्तों कि जो गेस्ट हाउस बिज़नेस है उसमें आप ये हमेशा पकड़ के चलिए कि अगर आपने 10 रूम लिए हैं, मतलब आपके पास 10 रूम की कैपेसिटी है, तो आपका ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सब रूम्स फुल हो। आपको ये समझ के चलना है कि इसमें गेस्ट हाउस बिज़नेस के अंदर जो है वो हर टाइम ऐसे होगा कि कुछ रूम्स हमेशा खाली होंगे, ये पॉसिबल है। तो उस वजह से जो है आपको ये ध्यान देना है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहाँ पे रख रहे हो। और डेफिनेटली बहुत सारे अभी ऑप्शन है गेस्ट हाउस ओनर्स के लिए, जैसे ओयो है, ओयो के साथ जुड़ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप ओयो के साथ जुड़ोगे तो उसके अंदर आपका काफ़ी पैसा कट होता है, प्लस डिपेंड्स। क्योंकि अभी मेरा तो गेस्ट हाउस है नहीं, मैं तो एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और आपको आइडिया दे सकता हूँ। अगर आप में से कोई है जिसका खुद का गेस्ट हाउस है जो आप चला रहे हो और आप ओयो के बारे में कुछ बोल सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस YouTube के माध्यम से अच्छी बातें बताएं, आपका रियल एक्सपीरियंस बताएं, तो आप बता सकते हो। साथ में डिपेंड्स आप कौन से लोकेशन पे कर रहे हो। टूरिस्ट लोकेशन अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे हमेशा आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और अच्छे गेस्ट भी मिलेंगे। तो गेस्ट हाउस बिज़नेस में आपको जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। सिंपल तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। आप अपने बजट के हिसाब से गेस्ट हाउस बना सकते हो, जैसे महंगा भी बना सकते हो, सस्ता भी बना सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका बजट कितना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी अपना गेस्ट हाउस का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि गेस्ट हाउस बिज़नेस के लिए आपको डेफिनेटली कुछ लाइसेंसेज लगते हैं। जैसे कि आप जिस लोकेशन पे हो वहाँ पे म्यूनसिपल अथॉरिटी का लाइसेंस है, FSSAI है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस है। अगर आप लाइसेंस एंड पेपर और कुछ हेल्प लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नाम है समीर, लेकिन मैं मोस्टली महाराष्ट्र के लिए लाइसेंस दिलवाता हूँ। उससे ज़्यादा भी आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कॉल करिए, मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।